नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ काम काज कर सकता है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए प्लस निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल दिए हुए थे, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। ऊपर की साइड में लिटरली हमने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एक डिप दे दे, तो फिर हम बाय की पोजिशन में बैठेंगे। ऊपर में कहाँ तक थे, 21,590 तक, 21,550, 570 और 590। अगर हाई देखते हो तो एग्जैक्ट 593 का था। मार्केट ने यहाँ पे रुका नहीं, ट्रैप किया। और यहाँ पे अगर देखते हो तो देखो, कल क्लियरली मैंने ऊपर के लेवल पे पुट की पोजीशन बता के गया था। कल का वीडियो अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, और अगर नहीं समझ में आता तो ये देखो, ये लोअर लो, मार्केट अगर गैप अप खुला, ये लोअर लो बनाया, ये एक अगेन एम पैटर्न बनाया। और कल का अगर देखो फ्लैट खुल के, अगर अपन ने ये भी एनालिसिस किया था कि ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना कि ये इस ट्रेंड लाइन के जैसे ही नीचे निकलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन में 250 तक लेंगे, ये क्लियरली कहा था मार्केट ने आपको। एग्जैक्ट नीचे की साइड में देखो तो करीबन 200 तक के लेवल मार्केट ने दे दिए। तो ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट वापस इस लेवल को रीटेस्ट करने गया। यहां से इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमारी पुट की एंट्री नीचे में कहा था कि ये लो भैया 250 आ गए, बुक करो और अपनी एंट्री क्लोज करो, फिर फर्दर इग्नोर करो। और बैंक निफ्टी में क्लियर लिखा था कि एक ऊपर की साइड में आपको 300 तक ऊपर के चैनल तक जा सकता है, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ले लिया। और कहा था कि दोस्तों ऊपर के लेवल पे अगर आप रिजेक्शन आइडेंटिफाई करना जानते हो तो देखो क्लियरली, अगर आप देखोगे तो ये एक 5 मिनट के चार्ट पे एक एम पैटर्न बना है। जैसे ही एम पैटर्न बना और ये डोजी का लेवल इसने जैसे ही ब्रेक किया, एंट्री के अंदर किस तरह से लेनी है वो चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये जैसे ही इसने डोजी को क्लोज की, डोजी के नीचे इसने क्लोजिंग दी, ये आपकी डोजी हो गई, इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो आपका एसएल क्या हो गया। ये मैंने क्या कहा था, लेस क्वांटिटी में ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन कैंडल कभी भी आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम पुट की पोजिशन बैठेंगे। तो ये आपका हो गया एसएल, और अगर 1:2, 1:3 के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 600 के आसपास एक बाय की पोजीशन कही थी, लेकिन मार्केट ने कंटिन्यूअसली जब ऊपर से बढ़ा और एक्सपायरी, इवन एक्सपायरी थी, उस लेवल को रिटेस्ट किया। और अब नीचे के लेवल देख लो कहाँ पे है, नीचे क्लोज किया, फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर वापस आ गई। तो अब ये नीचे हाल फिलहाल इसके अंदर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता, वो अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, कल एक्सपायरी है आपकी निफ्टी की। अब निफ्टी ने कहां सपोर्ट लिया है देखना चाहोगे तो ये ट्रेंड लाइन थी, कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहां से रिजेक्शन ले रहा था, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, यहां से सपोर्ट लेके एक शानदार आपको अपमूवमेंट दी। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके, क्योंकि इसने यहां से जैसे ही ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने इसको, अगर वनडे का चार्ट दिखाऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसने रीटेस्ट नहीं किया था, इस लाइन को रीटेस्ट नहीं किया एक बार भी। तो मे बी ये एक रीटेस्ट हो सकता है, या फिर अगर जैसे लाइन चार्ट में अगर देखते हैं तो एक एम पैटर्न, और मे बी अब यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एक अगेन फर्दर अपसाइड की दिखा सकता है। तो कल किस तरह से ट्रेड करनी है एक्सपायरी के लिए, तो उसका जान लेते हैं। तो ये देखो एग्जैक्ट हमारा ये जो था बड़ा मूव पकड़ा था हमने, और इस पॉइंट तक के तो हम पॉजिटिव थे ही, 500 के आसपास तक के, 540 तक के हाई आपको दिखेंगे। और ये वाली जब बनी थी ना, उसी दिन अपन ने ये डिस्कस कर दिया था कि अब आपको आने वाले 4-5 दिन के अंदर 540 दिख जाएगा। अब क्या है, किस तरह से और बनेगा, ये पूरी तेजी कहाँ से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, ये लाइन देख लो आप, आपके सामने अपन ने डिस्कस करके काफी टाइम अपन ने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, और आपका एग्जैक्ट टॉप वहां बना। तो अब इस रेंज में, मतलब नीचे का लेवल कहाँ है, 20,500, और 20,500 से पहले ये डोजी का लो, ये एक पिन बार कैंडल है 20,780, 760, इसके नीचे ही कोई आप फर्दर सेलिंग मिलेगी आपको। तो और अगर जैसे इस तेजी का अगर अपन फिबोनाची निकालते हैं ऊपर तक का, कि भैया कहाँ तक टॉप बन गया, तो ये ऊपर के लेवल से इसने, यानी कि यहां से ये जो टॉप है वो पूरी की पूरी इसने गेन खत्म कर दी, ठीक है। या फिर जैसे अगर इसको यहां से निकाले इस पॉइंट से, कि भाई ये यहां से इसने तेजी करी, ऊपर का टॉप देखते हैं तो 0.326 के आसपास या 0.5 के आसपास, मतलब 21,000 के आसपास तक की आप एक बार अगेन डिप देख सकते हैं, देन फर्दर एक अपमूवमेंट दिखेगी, या फिर 21,000 के नीचे बड़ा आप डाउनफॉल देख सकते हैं। तो ये हमने आज का टॉप जो है वो लगा दिया, 21,000
593 के आसपास का टॉप लगा दिया, और वहां से अब ये कहाँ तक करेक्ट करेक्ट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका 21,000 तक के लिए। तो कल किस तरह से ट्रेड करनी है हमें ये चीज देखनी है, तो ट्रेंड लाइन है, या फिर जैसे अगर मान लो आपका ये वाला लेवल है 21,150, 21,150 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम डेफिनेटली सेल साइड में बैठेंगे। 21,150 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो हम नीचे की साइड में पुट की साइड बैठेंगे, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो एक बाय साइड में, अब 2 दिन 3 दिन लेस क्वांटिटी में बाय साइड, और पुट में भी हाल फिलहाल लेस क्वांटिटी रखो, क्योंकि अब करेक्शन है, मार्केट कितना करेक्ट करता है, कहाँ करता है, ये आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो ये आप नहीं जान सकोगे, न हमें पता, न किसी को ही नहीं पता। कोई कहे कि भैया ये यहां से इतना ही यहीं से रिवर्स होगा तो ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये सिंपली है, तो 21,150 के आसपास अगर हायर हाई बनाता है, देखो ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था ये हायर हाई बनाए, तो ये लोअर लो यहाँ तक, तो लोअर लो ये हाई अगर बनता तो डेफिनेटली आप और ऊपर की साइड में स्ट्रेंथ देखते, लेकिन ऊपर के साइड में स्ट्रेंथ नहीं मिली और लोअर लो पैटर्न बनाना शुरू किया, और एक शानदार आपको नीचे की साइड में डिप मिली। ये देखो अगेन एंड अगेन एम पैटर्न, ये एम पैटर्न, ये यहाँ पे एम पैटर्न, अगर इसका देखोगे तो एम पैटर्न है, ये भी एम पैटर्न है, अगेन ये मतलब इस तरह से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ निफ्टी जा रहा है, और नीचे में 21,000 तक के, या फिर जैसे अगर देखते हो तो 21,050 यहाँ के आसपास सपोर्ट है। तो 21,150 का लेवल अगर टूटता है तो फिर हम पुट की साइड में 21,050 तक के लिए एक 100 पॉइंट की पुट की साइड की ट्रेड देख सकते हैं। अब है दोस्तों बाय साइड, बाय साइड अगर यहाँ पे हायर हाई बनाएगा 21,050 के आसपास आके, तो डेफिनेटली हम बाय की साइड में बैठेंगे, लेकिन लेस क्वांटिटी, ऊपर के टारगेट आपके 21,160 तक के, 50 तक के, वापस 100 पॉइंट के लिए, और गैप अप और गैप डाउन, गैप अप अगर खुलता है 21,340 के आसपास खुलता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर 21,260 के आसपास खुलता है तो 21,350 ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, 21,260 अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो फिर हम नीचे की साइड में पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और अभी टेलीग्राम पे मैंने क्लियरली लिखा था 21,250 के नीचे अगर क्लोज होता दिखता है तो फिर हम पुट की साइड में है, और कहाँ तक, 20,800 के आसपास तक। और अगर देखोगे तो नीचे की साइड में आप अगर किसी ने उसी पॉइंट पे एंट्री ली होगी पुट की, तो एटलीस्ट उसका पैसा 1.5 गुना 2 गुना के आसपास अगर इन द मनी के अंदर बैठा होगा तो हो गया होगा। तो वीडियो के अंदर टेलीग्राम में हम क्लियरली आपको एडवाइस दे देते हैं। तो अभी क्या है कि अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है कि आपके शानदार तेजी में भी था और दूसरा इसने शानदार अप मूवमेंट भी दी, तो अब इसका क्या है, फिबोनाची निकाल लेते हैं। और ये देखो हायर हाई के पैटर्न में था और हाल फिलहाल इसी पैटर्न में ही है। अब इस पैटर्न के नीचे अगर आता है तो फिर कहाँ तक आ सकता है, 46,850, फिर आपका लेवल हो गया 46,500, तो ये वाले लेवल हो गए। तो अब इसकी गेन और तेजी कहाँ से बनी है, इस पॉइंट से, मतलब अगर इस पॉइंट का करेक्शन अगर हम देखते हैं तो फिर यहां से हम एक फिबोनाची इस पॉइंट से लगा लेते हैं, फिबोनाची से लगा के इसके हाई तक हम इसको रख लेते हैं। तो 0.2236 का इसका लेवल आ रहा है करीबन 47,400 के आसपास, 350 के आसपास तक का, फिर उसके बाद में ये आ रहा है, फिर आ रहा है आपका 46,500 का, तो 50वां पॉइंट है, तो 46,500 तक एक डिप यहाँ से इस लंबी तेजी का एक करेक्शन आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो कल किस तरह से ट्रेड करनी है बैंक निफ्टी में, तो हायर हाई अगर बनाएगा तो ही हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने हायर हाई बनाया था, ये सेम सपोर्ट पे यहाँ पे ये हाई, ये हाई, फिर ये हाई, और ये हायर हाई बनाना शुरू किया था, तो यहाँ पे क्या है एक बाय की पोजीशन में बैठे। अब जैसे अगर यहाँ पे लोअर लो बना रहा है तो फिर डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और नीचे की साइड में पुट की पोजीशन में बैठा जा सकता है। तो कहाँ से बैठेंगे, 47,350 के नीचे ही कोई, 47,350 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन लेनी है, कहाँ तक, 46,850 या 46,600 तक, 300 पॉइंट के लिए एसएल फिर आपका रहेगा 47,450 का। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर ये समझ लेना यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया,
और फिर थोड़ा नीचे आने दो, देखना प्राइस एक्शन किस तरह से रहता है, उसके बाद में ही कोई बाय की या सेल की चाल रहेगी। और अब देख लो दोस्तों रिजेक्शन पे किस तरह से ट्रेड लेनी है, वो मैंने अभी आपको सिखा दिया। फिबोनाची कैसे लगाना है वो चीज मैंने आपको सिखा दी। और यहां से अगर आप गेन की अगर देखते हो तो ओवरऑल कहां 46,500 तक 400 तक एक इसकी बैंक निफ्टी की डिप आ सकती है, या फिर हो सकता है एक बड़ा आपको यानी कि मार्केट दिखा सकता है करेक्शन, तो वो देखना पड़ेगा ट्रेंड चेंज होता है या करेक्ट होता है या जो भी एक्स वाई जेड इसकी पोजीशंस रहती है वो आपको मार्केट के ओपन आवर्स में ही पता चलेगा और फिर हम करेंगे इसकी एनालिसिस। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।